हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास शाक्य आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल VVSA.org पर। और आज मैं आपके सामने लेके हाजिर हूँ 15 नवंबर 2019 के कुछ करंट अफेयर्स। और जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, ज़रूरी नहीं कि इसमें सारी की सारी न्यूज़ आइटम्स 15 नवंबर की ही हों। मैं कुछ पुराने न्यूज़ आइटम्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं उनको भी यहाँ पर डाल देता हूँ अपार्ट फ्रॉम करेंट डे न्यूज़। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन सी न्यूज़ है आज। पहली न्यूज़ है ऑफिशियल लैंग्वेजेज़ इन UN असेंबली। UN के बारे में आपने सुना होगा, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के बारे में आपने सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो इसके बारे में अलग वीडियो बना सकता हूँ मैं, या फिर आप जा करके इसके बारे में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे UN के बारे में मैं नहीं बता रहा, यहाँ पे मैं UN में जो ऑफिशियल लैंग्वेज होती है उसके बारे में बता रहा हूँ। UN की ऑफिशियल कोई लैंग्वेज नहीं होती एक्चुअली में। जैसे हमारे देश में बहुत सी भाषाएं हैं जिनको मान्यता मिली हुई है, उसी तरीके से यूनाइटेड नेशंस में भी क्या होता है कि जितने भी कंट्रीज़ यूनाइटेड नेशंस का पार्ट हैं उसमें कुल कितनी कंट्रीज़ हैं, 193 कंट्रीज़ हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि UN में कुल मिलाकर के 193 कंट्रीज़ हैं, 193 देश हैं। और वहाँ पे क्या होता है कि हर देश अपनी तरफ से अपनी एक भाषा बता सकता है कि यहाँ हमारी ये भाषा है, लेकिन अभी तक केवल 7 देश ऐसे हैं जिन्होंने UN असेंबली में अपनी भाषा बताई है। तो UN असेंबली में अभी तक 7 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, 7 UN असेंबली में अभी तक 7 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। इंडिया भी कोशिश कर रहा है कि UN में एक अपनी तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव लैंग्वेज इंडिया की तरफ से जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करे UN में, उस लैंग्वेज को वहाँ पे रखा जाए। और वो लैंग्वेज ऑब्वियसली हिंदी ही रखने की बात चल रही है, लेकिन हमारे यहाँ आप देख सकते हैं जो पॉलिटिक्स चल रही है हिंदी को लेकर के, उसकी वजह से हमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है उसको एज अ हिंदी हमारी जो लैंग्वेज है UN असेंबली में उस लैंग्वेज को पोर्ट्रे करने में, उस लैंग्वेज को हमारी लैंग्वेज की तरह UN असेंबली में शामिल करवाने में। तो इसमें एक तो प्रॉब्लम ये आ रही है जो हमारी इंटरनल है, दूसरी और प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, दूसरा ये होता है, प्रॉब्लम्स नहीं बेसिकली ये चैलेंजेस होंगे। दूसरा ये होता है कि अगर 193 कंट्रीज़ हैं और आपने ये कहा कि आप हिंदी को या किसी भी लैंग्वेज को भारत की भाषा के रूप में, रिप्रेजेंटेटिव लैंग्वेज के रूप में UN असेंबली में रखना चाहते हैं, तो होगा क्या? पहली चीज़ कि हमें उसको पास कराना होगा इस बिल को, और इस बिल को पास कराने के लिए UN में कुल मिलाकर के 193 जो मेंबर्स होते हैं उनमें से 129 का बहुमत चाहिए, यानी 2/3 ऑफ द असेंबली हमें चाहिए ही होगा, बहुमत की तरह मेजॉरिटी इतनी चाहिए होगी, 2/3 की मेजॉरिटी चाहिए होगी। ठीक है, पहली चीज़ तो ये है। दूसरा ये है कि अगर आपने अपनी किसी लैंग्वेज को, अपने देश की किसी लैंग्वेज को UN में एक रिप्रेजेंटेटिव लैंग्वेज की तरह रख दिया है, वहाँ पर पास करा लिया है, तो UN असेंबली में जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे उस लैंग्वेज में कन्वर्ट किए जाएंगे। उस लैंग्वेज में भी उसके डॉक्यूमेंट्स, उसके जितने भी न्यूज़ लेटर्स होते हैं वो सारी चीज़ें उस लैंग्वेज में कन्वर्ट होंगी। तो इसमें होता क्या है कि सारे के सारे देश जो कि UN असेंबली का पार्ट हैं उन सबको ये खर्च उठाना पड़ता है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि जो छोटे देश हैं उनको खर्च करने में दिक्कत आएगी। अगर कोई भी नया देश आज की डेट में जैसे इंडिया है, अगर वो कहता है तो 400 करोड़ रुपए प्रति माह का खर्च आएगा अगले 4 से 5 महीने तक। ठीक है, तो इस चीज़ की वजह से 4 से 5 महीने जो मैं बोल रहा हूँ ये ज़्यादा हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। ठीक है, मैं सिर्फ एक स्पेकुलेशन बता रहा हूँ कि इतना हो सकता है, बट हाँ इस आंकड़े को आप दुरुस्त कर सकते हैं, कहीं से आप मिला सकते हैं, बट हाँ अभी मुझे इतना ही पता है कि हाँ इतना खर्च आ सकता है। तो 400 करोड़ रुपये प्रति माह खर्च आ सकता है। तो भारत कह रहा है कि मैं उस खर्च को उठा लूँगा, हम उस खर्चे को उठाने को तैयार हैं, बट UN कह रहा है कि नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है, जो भी खर्च होगा वो सारे के सारी कंट्रीज़ मिलकर उठाएंगी, आप अकेले खर्च नहीं उठाएंगे। तो एक तो ये चैलेंज है, दूसरा इंटरनल तो अपना है ही, तीसरा आप बहुमत को देख चुके हैं, चौथा हमारा कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हर एक चीज़ को रिकॉर्ड करना और उसका एक नई कॉपी बनाना ये एक बहुत बड़ा टास्क है और जिसमें पैसे खर्च होंगे। तो कुल मिलाकर के 3 चैलेंजेस हैं, इन 3 चैलेंजेस को आप याद रखिएगा। कहीं पर भी अगर आपको रिटन एग्ज़ाम में ये लिखने को आता है तो इसके बारे में आप मेंशन कर सकते हैं, अगर कभी नेशनल लैंग्वेज को लेकर के कोई बात आती है तो उस वहाँ पर आप इस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं कि किस तरीके से हम UN में अपनी लैंग्वेज को प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, बट इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से किस तरीके से ये चीज़ रुक रही है, हम पहला हर्डल ही पास नहीं कर पा रहे कि हम अपनी हिंदी लैंग्वेज को वहाँ पर प्रेजेंट करें या ना करें। अगला है इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीरियडिक टेबल 2019। तो जो पीरियडिक टेबल है उसको खोजा गया था 1919 में, डेमेत्री मेंडलीफ ने खोजा था, आवर्त सारणी की खोज की थी। तो अब इस आवर्त सारणी के पूरे होने के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं, जब बनी थी उससे 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं।
तो इस वजह से इस ईयर को यानी ईयर 2019 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीरियडिक टेबल मनाया जा रहा है। छोटा सा फैक्ट है, आ सकता है। और किसने बनाई थी सबसे पहली बार? दिमित्री मेंडलीफ ने बनाई थी। और ये अंतर्राष्ट्रीय वर्ष की तरह मनाया जा रहा है, ऐसा नहीं कि कोई एक कंट्री ही मना रही हो, ऐसा नहीं कि जहाँ से दिमित्री मेंडलीफ पैदा हुए थे वही मना रहे हो, इसको ओवरऑल पूरी दुनिया में इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीरियोडिक टेबल की तरह इस ईयर को मान्यता दी जा रही है जो 2019 ईयर है। अगला देखते हैं नेशनल सर्विस स्कीम। ये एक पॉलिसी है, एक स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स। ये जो युवा मामलों के और खेल मंत्रालय जो होते हैं, युवा मामले और खेल मंत्रालय जो हैं, उनका जो है ये स्कीम है, नेशनल सर्विस स्कीम। और ये स्टार्ट कब हुई थी? ये स्टार्ट हुई थी 1969 में। और 1969 में क्यों स्टार्ट की गई थी? क्योंकि उस साल गांधी जी के जन्म के 100 साल पूरे हो रहे थे। गांधी जी 1869 में पैदा हुए थे और 1969 में उनके पैदा होने के बाद 100 साल पूरे हो चुके थे। तो उस साल इस नेशनल सर्विस स्कीम को शुरू किया गया। ठीक है, इसका मोटो क्या है? नॉट मी बट यू। ये मोटो आप याद रखिएगा, नॉट मी बट यू, मेरे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए। ठीक है, इसका मोटो है, इसका पर्पज़ है कि हम इस तरीके से, इस तरह की भावना लोगों के अंदर, इस तरह के चरित्र का विकास करें कि वो इस तरीके से सोचने लगें, नॉट मी बट यू। तो इसका बेसिक पर्पज़ ही यही है कि एक तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी पैदा करना बच्चों उनके अंदर जो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, दूसरा है कैरेक्टर बिल्डिंग, उसके अलावा इनक्रेज करना यूथ को कि वो नई चीज़ें सीखें, नए नए सोल्यूशंस लेकर के आएँ। और किस एरिया में सोल्यूशंस लेके आए? कम्युनिटी सर्विस में, लोगों की सेवा में। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया जाता है? 11th और 12th के स्टूडेंट्स को टारगेट किया जाता है कि उनको जैसे ही वो 11th और 12th पास करते हैं वैसे ही उनको नेशनल सर्विस स्कीम में एनरोल कराया जाता है। और उनको किससे अलाइन किया जाता है? उनको अलाइन कर दिया जाता है गवर्नमेंट लेड कम्युनिटी सर्विसेज से। गवर्नमेंट कोई भी कम्युनिटी सर्विस अगर चला रही है, कोई भी प्रोग्राम ऐसा चला रही है, तो उसके लिए ये स्टूडेंट्स सोल्यूशन खोजेंगे, इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर आएंगे कि जो काम गवर्नमेंट करना चाहती है ये जो कम्युनिटी सर्विस में, इसको और अच्छे तरीके से, और सिंपल तरीके से, और ऑप्टिमाइज वे में कैसे कर सकें, सो दैट उनकी क्रिटिकल थिंकिंग, उनकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं वो डेवलप हों और वो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएँ आगे चल के, उनका टेक्निकल माइंडसेट डेवलप हो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। तो इसका जो ईयर था वो बहुत ज़रूरी है कि नेशनल सर्विस स्कीम शुरू कब हुई थी और किस डिपार्टमेंट ने शुरू करी हुई है। ठीक है, अगला है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। ये नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम क्यों लाया गया है? सीधी सी बात है, नाम से ही पता चल रहा है, जो एयर पोल्यूशन होता है हमारे यहाँ इंडिया के अंदर, जो एयर पोल्यूशन है उससे लड़ने के लिए ये स्कीम लेकर के आए हैं, ये प्रोग्राम लेकर के आई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये कब शुरू किया गया था? ये स्टार्ट किया गया है 2019 में। ठीक है, इसका पर्पज़ क्या है? इसका पर्पज़ ये है कि जो हमारे यहाँ PM 2.5 और PM 10.0, ये जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं जो कि पॉल्यूटेंट्स होते हैं और छोटे पार्टिकल्स होते हैं ये, तो ये इन्हीं की वजह से हमारी हवा जो है बहुत ज़्यादा जहरीली हो जाती है। तो करना क्या है, इसका टारगेट यह है इस प्रोग्राम का कि आज की डेट में 2017 में, 2017 में, आज की डेट 2017 नहीं है, आज ये 2019 में शुरू हो रहा है, बट 2017 में जितना भी PM 2.5 और PM 10.0 था वातावरण में, हमारे एनवायरनमेंट में, उस टोटल अमाउंट का, जितना भी कंसंट्रेशन था PM 2.5 और PM 10.0 का, उस टोटल कंसंट्रेशन का हमें 20-30% नीचे लाना है। किस ईयर तक? 2024 तक। यानी जितना भी हमारा PM 2.5 और PM 10.0 हमारा ईयर 2017 में हुआ करता था, उससे 20-30% हमें नीचे लेकर के आना है। किस ईयर तक? 2014 तक। ये इस क्लीन नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का मिशन है। ये मिशन याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ये इसका टारगेट क्या है। इतना जो पोर्शन है ना इस मेमोरी मैप का, इतना जो पोर्शन है जिसमें PM 2.5, PM 10.0 आप देख पा रहे हैं, और ये जो आंकड़ा देख पा रहे हैं 20-30%, ये बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, ये एग्जाम्स में आ सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम 2019 से और बेस ईयर होगा 2017, जिससे हम कंपैरिजन करेंगे कि हम PM 2.5 को कितना नीचे लाएं या PM 10.0 को कितना नीचे लाएं। वो ईयर होगा जहाँ से हम कंपेयर करेंगे, वो ईयर होगा 2017। और जिस ईयर से हम इस स्कीम को शुरू कर रहे हैं वो ईयर है हमारा ये ईयर जिसमें हम चल रहे हैं, 2019। ठीक है, तो ये है इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। अगला देखते हैं, आके मैंने कुछ फ्यू वन लाइनर्स रखे हैं, कुछ वन लाइनर्स जो कि सीधे सीधे, इसमें कुछ लॉजिकल नहीं होता, जो चीज़ है उसे बस याद करना है। वन लाइनर क्वेश्चन आंसर्स होते हैं ये, कई बार वन मार्क्स में आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। तो अभी जो पहला है इसमें आप देख सकते हैं, मेक द वर्ल्ड टीबी फ्री, हमें पूरी दुनिया को टीबी से फ्री करना है। तो यूएन ने ये डिसाइड किया है
कि जो हमने टारगेट रखा था 2025 का, अब उस 2025 को हम 2030 कर रहे हैं। पहले टारगेट क्या था कि हम 2025 तक दुनिया को टीबी से फ्री कर देंगे, और इसके लिए हर देश मिलकर के अपनी तरफ से जो कुछ भी कर सकता है अपनी कंट्री में वो करेगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो टारगेट मीट नहीं हो पाएगा। तो इस टारगेट को रिव्यू किया गया, और रिव्यू करने के बाद नया टारगेट सेट किया गया है, और वो नया टारगेट है 2030, नॉट 13, ठीक है। दूसरा है द बर्थ प्लेस ऑफ दीनदयाल उपाध्याय। दीनदयाल उपाध्याय का जन्म कहाँ हुआ था, खास करके यूपी पीसीएस की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो यूपी के बच्चे हैं, यूपी से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम होता है तो वहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि दीनदयाल उपाध्याय का जन्म कहाँ पर हुआ था। उनका जन्म हुआ था मथुरा में, उत्तर प्रदेश के मथुरा में, और जिस जगह, जिस गाँव में, जिस इलाके में इनका जन्म हुआ था उस जगह को कहते हैं नगला चंद्रभान, ठीक है। तो छोटा सा है, वन लाइनर है, आपको याद रखना है बस। और अगला है सेशल्स। सेशल्स कहाँ पे है, सेशल्स जो है वो अफ्रीका में एक द्वीप है, एक आइलैंड है, और उसके नए हाई कमिश्नर हमारे इंडिया की तरफ से जो नियुक्त किए गए हैं वो है दलबीर सिंह सुहाग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सेशल्स के साथ हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उसको लेकर के काफ़ी बातें इस साल हुई हैं, और अफ्रीका को लेकर के वैसे भी इंडिया का जो इंडिया और अफ्रीका के जो रिलेशंस हैं उसको लेकर के वैसे भी काफ़ी हद तक हम लोग सेंसिटिव रहते हैं, और उसको इम्प्रूव करने की हमेशा कोशिश की जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि जो अफ्रीका है वो हमारा जो नेचुरल एक दोस्त होता है, एक प्राकृतिक दोस्त है हमारा, ठीक है। तो वहाँ पे, वहाँ से जुड़ी हुई जो भी खबर होगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। तो ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेशल्स में हमारे नए हाई कमिश्नर कौन है इंडिया की तरफ से, तो वो हैं दलबीर सिंह सुहाग। अब ये हाई कमिश्नर जो है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। हुआ क्या कि जब सारे देश आज़ाद हुए अंग्रेज़ों से, जो ब्रिटेन था उससे जब आज़ाद हुए, तो उन सभी देशों ने एक ग्रुप बना लिया, कॉमनवेल्थ ग्रुप ऑफ नेशंस, ठीक है। जो भी देश अंग्रेजों से आज़ाद हुए थे उन लोगों ने एक ग्रुप बनाया, उसको कहते हैं कॉमनवेल्थ ग्रुप ऑफ नेशंस, ठीक है। तो कॉमनवेल्थ ग्रुप ऑफ नेशंस में जितने भी देश हैं उन सभी देशों ने आपस में एक दूसरे के यहाँ हाई कमीशंस बिठाए हुए हैं। हाई कमीशन, जैसे आप वीज़ा लेने जाते हैं तो आपको एम्बेसी जाना होता है, लेकिन हमेशा आप वीज़ा लगवाएंगे तो एम्बेसी का नाम नहीं आएगा, हाई कमीशन का नाम आएगा। जैसे अगर आप कनाडा का वीज़ा लगवाते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन है वीज़ा का वो कहाँ जाएगा, कनाडियन हाई कमीशन में जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप यूएस भी जाते हैं तो वहाँ भी जो है आपको यूएस एम्बेसी जाना होगा, और उसके अलावा अगर आप किसी और जगह जाते हैं जैसे पाकिस्तान जाते हैं तो पाकिस्तान हाई कमीशन आपको जाना होगा। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जैसे ब्रिटेन है, यूके है, तो वहाँ पर आपको एम्बेसी मिलेगा। जिन देशों के साथ ऐसा संबंध आपका नहीं है कि दोनों देश, हमारे देश का ऐसा संबंध नहीं है कि दोनों के दोनों देश उस देश के यानी ब्रिटेन के अधीन न रहे हों, गुलाम न रहे हों, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे एम्बेसी होगी। लेकिन अगर दो देश ऐसे हैं जो कभी ना कभी ब्रिटिश हुकूमत के अंडर रहे हैं तो उन देशों का आपस में एक दूसरे के यहाँ हाई कमीशन होगा। तो ये छोटा सा फैक्ट है, आप इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेशल्स में हाई कमिश्नर होंगे क्योंकि सेशल्स भी कभी ना कभी अंग्रेजों के अधीन रहा होगा, कनाडा भी अंग्रेजों के अधीन रहा था, इसलिए आप जब भी वीज़ा लगवाते हैं कनाडा का तो आपको हमेशा जो एप्लीकेशन होगा यू नीड टू सेंड इट टू कनाडियन हाई कमीशन, ठीक है। उसके अलावा आखिरी है ताइवान। ताइवान के बारे में एक न्यूज़ है, ताइवान पहली कंट्री बन गई है जिसने समलैंगिक विवाह को मान्यता दे दी है, उसको लीगलाइज कर दिया है, यानी वो कानूनन वैध है, ठीक है। तो बस इतना ही है, आप इस न्यूज़, इन सारे न्यूज़ आइटम्स को दोहराइए, देखिए जो कुछ भी इसमें कम लग रहा हो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ अपने दोस्तों को बताइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बाय बाय।